हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंगला है। मैं दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट या पेट रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में बात करूंगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब है कोलन, यानी हमारी बड़ी आंत में सूजन आना और साथ में अल्सर बन जाना। तो आज हम पांच महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस करेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट क्या है और इसका कोलन कैंसर से क्या रिलेशनशिप है। तो पहले हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों होता है। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर हमारा एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो बाहर के बैक्टीरिया या वायरस से लड़ता है। हम सभी की आंतों में प्रोटो बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया बहुत ही फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। ये हमारा फूड डाइजेस्ट करते हैं और गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। परंतु अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में जो इम्यून सिस्टम है इन नॉर्मल बैक्टीरिया के खिलाफ एक्टिवेट हो जाता है और इस एक्टिवेशन के कारण हमारी बड़ी आंत में सूजन आ जाती है, जिसे हम कोलाइटिस बोलते हैं और साथ में अल्सर भी बन जाते हैं। और अल्सरेटिव कोलाइटिस के ट्रीटमेंट में हम इस इम्यून एक्टिवेशन को कम करते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस मुख्यतः 20 से 40 साल की उम्र में शुरू होता है। कुछ लोगों में ये लेट यानी 60 साल के बाद भी शुरू हो सकता है, परंतु मेनली ये 20 से 40 साल की उम्र के बीच में शुरू होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो सबसे मेन सिम्टम है वो है ब्लडी डायरिया। तो मरीज को दिन में 3 से ज्यादा मोशन आते हैं, मोशन पतला आता है, पानी की तरह आता है, उसमें ब्लड और म्यूकस घुल कर आता है। साथ में कई बार रात को भी मरीज को मोशन के लिए उठना पड़ता है और कई बार मरीज को मोशन के लिए भागना पड़ता है क्योंकि वो मोशन को रोक नहीं पाता है और कई बार मोशन कपड़ों में निकल जाता है जिससे कि कपड़े खराब हो जाते हैं और मरीज को लगता है कि मोशन ठीक तरह से हुआ नहीं है। कुछ लोगों को पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, इधर या तो मरोड़ मार के या फिर कंटिन्यूस पेन हो सकता है और कुछ मरीजों को बुखार आ सकता है और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे कि खून की कमी होने से मरीज को थकान हो सकती है या पैरों में सूजन भी आ सकती है। एक और महत्वपूर्ण विषय है अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्वालिटी ऑफ लाइफ। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट सोशल गैदरिंग को अवॉइड करते हैं, स्पेशली जब बीमारी एक्टिव होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वो किसी मीटिंग में जाएंगे वहां टॉयलेट अवेलेबल होगा या नहीं, क्योंकि उनको टॉयलेट की इच्छा कभी भी हो सकती है और टॉयलेट पास में नहीं होने पर उनका स्टूल कपड़ों में भी निकल सकता है, जो कि एक बहुत ही सीरियस इशू है जिससे मरीज पर बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल फर्क पड़ सकता है। अब तीसरा प्रश्न है कि हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को डायग्नोस कैसे करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम बहुत ही आसान तरीके से कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी के द्वारा डायग्नोस करते हैं। इसमें हम लैट्रिन के रास्ते में एक दूरबीन डालते हैं जिसमें हमें बहुत ही पिक्यूलियर फाइंडिंग मिलती है। हमें रेक्टम में, जो कि कोलन का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, वहां पर छोटे छोटे अल्सर मिलते हैं और कई बार हमें वहां से ब्लीडिंग भी दिखती है। तो वहां से हम बायोप्सी लेते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम सिम्टम्स, कोलोनोस्कोपी और हिस्टोपैथोलॉजी, तीन चीजों के बेस पर डायग्नोस करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम ट्रीट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट से पहले हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की एक्सटेंट और सिवेरिटी को डिफाइन करते हैं। एक्सटेंट डिफाइन करने के लिए हम कोलोनोस्कोपी करते हैं। कुछ लोगों में ये बीमारी कोलन के सिर्फ नीचे वाले हिस्से यानी रेक्टम और सिग्मोइड कोलन में होती है। इनको हम लोकल मेडिकेशन से ठीक करते हैं और कुछ लोगों में पूरी बड़ी आंत इन्वॉल्व होती है जिनके अंदर की ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। अब जो इसकी मेन दवाइयां हैं वो है मेसालामाइन्स, जो कि हम कैप्सूल या एनीमा के तौर पर देते हैं, फिर स्टेरॉइड होते हैं जिन्हें कि हम गोली या एनीमा के रूप में देते हैं, फिर एंटी मेटाबोलाइट यानी एजाथियोप्रिन या मेथोट्रेक्सेट होती है, और कुछ लोगों में हम इंफ्लेक्सिमैब या एडेलिमनैब के इंजेक्शन लगाते हैं। अब ट्रीटमेंट को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इंडक्शन ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस। इंडक्शन का मतलब है कि बीमारी को कम करना, जो बीमारी हो रही है उसके अंदर खून को रोकना। तो उसके लिए हम, अगर माइल्ड एक्टिविटी है तो एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए 6 पैरामीटर होते हैं। नंबर ऑफ स्टूल पर डे, कि दिन में कितने मोशन आते हैं, कितना ब्लड आ रहा है, क्या पल्स रेट है, कितना टेम्परेचर है, ये सर क्या है और हीमोग्लोबिन क्या है। इन 6 क्राइटेरिया के हिसाब से हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। माइल्ड डिजीज के लिए हम ओरल मेसालामाइन और लोकल का मतलब हुआ सपोजिटरी या फिर एनिमा देते हैं। मॉडरेट डिजीज के लिए हम खाने के लिए स्टेरॉइड की गोली देते हैं और सीवियर डिजीज के लिए हम मरीज को भर्ती करते हैं और इंजेक्शन और एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। यदि स्टेरॉइड के इंजेक्शन और एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हम साइक्लोस्पोरिन या इन्फ्लेक्सिमैब के इंजेक्शन लगाते हैं। यदि इससे भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो अगला ट्रीटमेंट है कि हम उनको सर्जरी की एडवाइस करते हैं। कुछ लोगों में हम फीकल ट्रांसप्लांट भी करते हैं। फीकल ट्रांसप्लांट का मतलब है कि हम हेल्दी पेशेंट का स्टूल लेकर अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में डालते हैं। एक बार
बीमारी कंट्रोल होने के बाद हम मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं। दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस को अभी दवाइयों से क्योर नहीं किया जा सकता, यह डायबिटीज और हाइपरटेंशन की तरह है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बट खत्म नहीं कर सकते। इसलिए जब बीमारी कंट्रोल हो जाती है, ब्लड आना बंद हो जाता है, उसके बाद हम ताकि बीमारी दोबारा नहीं हो इसके लिए दवाइयां देते हैं जिसे कि मेंटेनेंस थेरेपी बोलते हैं। मेंटेनेंस के लिए हम मेसालामीन या तो खाने के रूप में या फिर एनीमा या सपोजिटरी के रूप में देते हैं, या फिर हम साथ में अजाथाप्रिन जो कि एंटी मेटाबोलाइट है, या फिर इन्फ्लिक्सिमेब के इंजेक्शन लगाते हैं, और कुछ लोगों में हम फिकल ट्रांसप्लांट भी करते हैं। यदि इन सब से भी अल्सरेटिव कोलाइटिस कंट्रोल नहीं होता है तो अगला ऑप्शन होता है सर्जरी, जिसमें हम बड़ी आंत को निकाल देते हैं और छोटी आंत को एनस से जोड़ देते हैं। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अल्सरेटिव कोलाइटिस में कैंसर का रिस्क। दोस्तों यदि किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस 10 साल से ज्यादा ड्यूरेशन का है और पैन कोलाइटिस है, मतलब पूरी बड़ी आंत के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको कैंसर का रिस्क होता है, जिसको कम करने के लिए हम ऐसे पेशेंट्स को स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी एडवाइस करते हैं ताकि कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया जा सके और उसको ट्रीटमेंट करके क्योर किया जा सके। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि किसी को ब्लडी डायरिया है, मोशन पतले आ रहे हैं, साथ में ब्लड और म्यूकस आ रहा है, तो एक अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, स्पेशली अगर इसकी ड्यूरेशन 3 हफ्ते से ज्यादा है। ऐसा होने पर आप तुरंत एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिखाइए, अपनी जांच करवाइए, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस को अगर जल्दी डायग्नोस किया जाए इसका ट्रीटमेंट संभव है, इसे हम दवाइयों से पूर्णतया कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। यदि आपको कुछ शंका है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यदि कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि आप हमसे बात करना चाहें आप हमें फोन भी कर सकते हैं।